मैं हूं पायल गुड़िया। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 के तहत कुछ विशेष अधिकार हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया। इसे लेकर सदन में काफी हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का प्रस्ताव भी अमित शाह ने पेश किया, जहां गृह मंत्री की घोषणा के बाद राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां जमकर विरोध कर रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर लोग जम्मू कश्मीर पर सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं और अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड स्टार्स भी बीजेपी के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल ने भी केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर प्रस्ताव का स्वागत किया। परेश रावल ने ट्वीट कर लिखा, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है, जय हिंद। दरअसल परेश ने ये बात एक यूजर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कही। यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा है, देश की आजादी देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, कश्मीर को धारा 370 और 35 ए से मुक्ति मिल जाए, ये देखना मेरा परम सौभाग्य होगा, भारत माता की जय। बता दें कि इस ट्वीट को परेश ने रीट्वीट किया है। वहीं अमित शाह के इस फैसले पर परेश रावल ने एक और ट्वीट किया और लिखा, वास्तव में आज का दिन हमारे देश के लिए वास्तविक और संपूर्ण स्वतंत्रता दिवस है। आज वास्तविक शब्दों में भारत एक हो गया है। वहीं परेश के अलावा दूसरी तरफ डायरेक्टर कुणाल कोहली ने ट्वीट किया, हमारी आंखों के सामने इतिहास बदल रहा है। बता दें कि परेश रावल और कुणाल कोहली से पहले अनुपम भी कश्मीर को लेकर ट्वीट कर चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाल ही में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि धारा 370 की कई खंड लागू नहीं होंगे, सिर्फ एक खंड बचा रहेगा और बाकी खंड लागू रहेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। You raised a relevant point. It's important. Country is also taking note of the same, what is happening and all. It is the duty of the government to explain to the House. The Home Minister told me that he is going to explain it, and he says now itself he is going to explain it. Let us first hear him and let the bill also be moved, and then we discuss. Please, Bajaj. You know, aap Bajaj, please, Kupaya. Aap Bajaj, Sri Amit Shah, Honorable Home Minister. Nothing else will go on the card other than Home Minister. Other than Home Minister, nothing else will not go on. Sabhapati Mahoday, Shivaji, please, Bajaj. Rangarajan, please sit down. Main aaj jo revise apna business ka list hai, उसके अंदर आपने मुझे व्यवस्था दी है कि मैं दो संकल्प और एक बिल जो प्रिंटेड बिल रिवाइज रूल बिजनेस के अलावे मैं प्रस्तुत करूं। मैं चारों चीज़ें एक साथ प्रस्तुत करूंगा, इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उसके बाद में मैं जवाब भी दूंगा, और चारों पर एक के बाद एक के बाद एक कर कर डिवीजन करना है तो डिवीजन, मगर मुझे भरोसा है कि चारों चीज़ें पर एक सहमति हो जाएगी तो हम इस पर चर्चा कर कर वोटिंग करेंगे। माननीय गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा कि कश्मीर की आज की जो स्थिति है उस पर चर्चा करनी चाहिए, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारों दो संकल्प और दो बिल जो लेकर आए हैं वो कश्मीर इश्यू पर ही है, उस पर आप अपना विचार रख सकते हैं। इस वक्त कश्मीर की आज की स्थिति पर भी रखिए, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। अब मैं एक के बाद एक संकल्प और बिल महोदय मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित बिना संशोधन वाला जम्मू और कश्मीर राज्य पर
पर लागू होंगे, इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 301 में नहीं किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई कानूनी दस्तावेज निर्णय अध्यादेश अंतरियम नियम विनिमय अधिसूचना नीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौते जैसे अनुच्छेद 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अन्यथा न हो। माननीय सभापति महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति की दिनांक 19 दिसंबर 2019 की उद्घोषणा के अनुरूप जम्मू और कश्मीर की राज्य की विधायी शक्तियां इस सदन में नियुक्त होने एवं राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के प्रावधान के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संबोधित करने पर यह सदन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को स्वीकार करे और इसको व्यक्त करे। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की परमिशन दी जाए। ये नहीं चलेगा, ये पद्धति नहीं है।